हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर इन द स्टैंडर्ड 8, दैट इज द कम्बस्टन एंड फ्लेम. ओके, सो व्हाट इज द कम्बस्टन, व्हाट इज द फ्लेम, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ऑल्सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कम्बस्टन टेक अ प्लेस इन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. ऑल्सो वी हैव टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. And then we have to discuss the candle flame and the layers of the candle flames. Okay, so बहुत ज़्यादा important topic है और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस chapter के अंदर. बहुत ही easy topics है इसके अंदर. जितने hard इसके नाम दिख रहे हैं उतना इसके अंदर कुछ hard है नहीं. Okay, you can easily memorize everything that we have to learn in this chapter. So first we are starting from the combustion. So what is the combustion? Combustion is called as the different types of there are different types of combustion, but basic definition for the combustion is called as the exhausting of the any material, यानी कि किसी भी चीज का दहन होना. ओके, किसी भी चीज का एग्जॉस्ट होना. अगर किसी भी चीज को मैं अगर जलाता हूँ तो अगर वो जल जाती है और उसका सुलगना जो है वो पॉसिबल हो जाता है, then it is called as the combustion of that material. Okay, अगर कोई भी चीज जो है वो सुलगेगी और उसका जो है वो दहन होना स्टार्ट हो जाएगा, then it is called as the combustion of that types of material. Now, what is the combustion that we have to see the specific definition for it. Okay, पहले मैंने आपको basic definition बताई. Now we have to see the proper definition of it. A chemical process in which A chemical process in which a substance react with the oxygen of air to give the heat and light is called as the combustion. ये हो गई हमारी definition number one. Combustion की definition को पूछेगा तो आप लोगों को ये लिखनी पड़ेगी. Okay? So क्या है कि एक chemical process है. जिस chemical process के अंदर क्या होता है, generally कोई substance. Substance का मतलब होता है कोई भी material. Okay? Substance यानी कि कोई भी material. अभी आप इस तरह से याद रख सकते हो, कोई भी material. यानी कि कोई भी चीज़ हो गई, वो मटेरियल के अंदर कौन सी चीज़ आएगी, दो चीज़ें आ सकती है. मेटल आ सकता है, एक दूसरा नॉन मेटल आ सकता है. ओके, तो इसमें से कोई भी चीज़ मैं मेटल ले लेता हूँ, तो सब्सटेंस के अंदर क्या होता है कि अगर वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और रिएक्ट करके बाद, कि ये ज़रूरी है भाई ये समझना, कि अगर वो रिएक्ट करेगा, वो तो हम लोगों ने मान लिया, बट रिएक्ट करके फिर वो एटमोस्फियर के अंदर क्या देगा, या तो हीट देगा या लाइट देगा या फिर कोई भी एनर्जी का फॉर्म बाहर निकालेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंबशन कहेंगे. फिर ऐसा ना हो कि उसने रिएक्शन कर दिया और एटमोस्फियर के अंदर कुछ नहीं दिया, तो उसको हम लोग कंबशन कह नहीं पाएंगे. ओके, तो एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. क्यों रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद क्या देता है, रिएक्ट करने के बाद वो देता है हीट और लाइट एनर्जी को, और उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कम्बशन कहते हैं. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में प्रॉपरली फिट बैठ जाए. तो कम्बशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. लो, ये हो गई हमारी सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन. कम्बशन इज द केमिकल प्रोसेस इन दैट विच द सब्सटेंस इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड गिव्स अस द हीट एंड द लाइट एनर्जी. ओके, सो यू कैन राइट दैट बेसिक डेफिनेशन जो मैंने बोली है अभी, वो आप लिख सकते हो. यहाँ पर आप लोगों को स्लाइड के अंदर दिख रही है, वो आप लिख सकते हो. ओके, और यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, बट इसका मीनिंग जो है वो सेम रहना चाहिए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मीनिंग जो है वो सेम नहीं रहेगा, इसका मतलब आप लोगों ने डेफिनेशन में प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है. सो इसमें एक चीज़ जो आ गई, वो आ गई पहले वर्ड के अंदर ही, कि रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन. मतलब कि अगर कम्बशन होगा तो वो कभी होगा, जब ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगा. तो कोई पूछे कि भाई कम्बशन के लिए कोई कंडीशन नेसेसरी है, यानी कि कम्बशन होने के लिए कोई कंडीशन चाहिए. जैसे कि हम लोगों को पता है कि पास होने के लिए कंडीशन चाहिए. पास होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, तो वी हैव टू गेट द 35 मार्क्स, देन वी आर कॉल्ड एज द पास. तो ये हो गई एक कंडीशन. तो वैसे ही कम्बशन के लिए कोई कंडीशन चाहिए, तो हाँ भाई कंडीशन चाहिए. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो कम्बशन नहीं हो पाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट condition necessary for the combustion, that is called as the oxygen is necessary for the combustion to take up place. Agar oxygen present nahi hoga to combustion ho hi nahi sakta. For examples, combustion kisko kehte hai, example diye hai,
कि भाई रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ अ स्लो कम्बशन ऑफ अ फूड विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी टू प्रोड्यूस द एनर्जी। रेस्पिरेशन भी एक काइंड का स्लो कम्बशन ही है। रेस्पिरेशन आप लोगों को पता ही होगा, रेस्पिरेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीद इन में हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन को और ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो वाई वी हैव टू टेक द ऑक्सीजन एंड वाई वी हैव टू टेक आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। सो वी हैव टू डू द प्रोसेस ऑफ द डाइजेस्टिंग द फूड एंड ऑल्सो वी हैव टू डू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड इन अवर बॉडी। सो फॉर दैट वी हैव रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर अवर बॉडीज एंड दैट वी हैव टू गेट इट फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्पिरेशन के थ्रू हम लोगों ने ऑक्सीजन को शरीर के अंदर डाला है, वो धीरे धीरे क्या करवाएगा, वो ऑक्सीजन हमारे खाने को डाइजेस्ट करवाने के लिए हेल्प करेगा। और वो खाना जैसे ही डाइजेस्ट होगा वो किस में कन्वर्जन हो जाएगा, फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। और वैसे ही फूड एनर्जी के अंदर कन्वर्जन होने के बाद हम लोग एनर्जी के अंदर कन्वर्जन होने के बाद उसका इस्तेमाल हम लोग कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बोलने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिखने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोग किसके लिए करोगे इस्तेमाल वो आप लोगों को ही पता होगा। आधे बच्चे होंगे वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, गेम्स खेलने के लिए, जो करना ज़रूरी नहीं है। आधे बच्चे जो है वो किसके लिए इस्तेमाल करने करेंगे एनर्जी का, रीड करने के लिए, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आधे बच्चे करेंगे वो लिखने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी नेसेसिटी है। ओके, तो एनर्जी का इस्तेमाल भी आप कौन सी जगह पर करते हो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये भी आप लोग एक लिख सकते हो कि रेस्पिरेशन जो है वो स्लो काइंड ऑफ कॉम्बशन है। रस्टिंग ऑफ एन आयन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द स्लो कॉम्बशन। तो ये हो गई दो चीज़ों वाली बात कि भाई स्लो कॉम्बशन और फास्ट कम्बशन क्या होते हैं। स्लो कम्बशन यानी कि जो लॉन्ग टाइम लेता है कोई भी कम्बशन की प्रोसेस को ख़त्म होने के लिए, उसको हम लोग जनरली क्या कहेंगे, स्लो कम्बशन कहेंगे। वैसे ही सेम ओपोजिट किसको कहेंगे, अगर कोई कम्बशन की प्रोसेस होने के लिए फास्ट टाइम में कर लेगा देन वी कॉल्ड एज द फास्ट कम्बशन। तो रस्टिंग ऑफ आयन यानी कि आयन जो है वो खराब हो जाता है जब भी मॉइस्चर उसके ऊपर लगेगी, तो मॉइस्चर की वजह से आयन जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो खराब होता है वो जल्दी से खराब नहीं हो जाए, जैसे कि मैंने आयन को अभी बाहर एटमोसफेयर के अंदर रखा और जैसे ही रखूंगा वो वैसे खराब नहीं होगा, बट डे बाय डे यानी कि 2 और 3 मंथ्स के अंदर वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो उसने उसके अंदर धीरे 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 क्या प्रोसेस हुई, कम्बशन की प्रोसेस हुई। ओके, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते थे बट हम लोग उसको देख नहीं पाते थे। सो ऑल्सो दिस इज कॉल्ड एज द स्लो कम्बशन। So today you have to write the question number one, that what is combustion? And what is the condition necessary for it? Also, you have to write that and give example of slow combustion. Okay, ये यहाँ पर क्वेश्चन टू कर देता हूँ, गिव एग्जाम्पल, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर ही लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, वरना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहेंगे सर दिखाई नहीं दे रहा था। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो कम्बशन। ओके, तो ये दो क्वेश्चन हो गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले में तो सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी है और कंडीशन नेसेसरी में लिखना है कि ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है कम्बशन के लिए। ओके, और दूसरे में सिर्फ दो एग्जांपल्स लिखने हैं। दो एग्जांपल कौन से लिखो, रेस्पिरेशन और रस्टिंग ऑफ आयन। तो ये हो गए दो क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोगों को लिखना है ना। ये हो गया भाई रिएक्शन। अभी ये रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, रिएक्शन वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो जनरली ये जो है उसको हम लोग कहेंगे मेटल। क्या कहेंगे, मेटल। मेटल जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ कोई भी प्रोसेस करेगा तो केमिस्ट्री के अंदर ऐसा रूल है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल ऑक्साइड कहेंगे। हमारा अभी मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर बाकी है, तो जैसे ही हम लोग मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई मेटल क्या होते हैं, मेटल के अंदर हम लोगों को कौन से एलिमेंट्स को याद रखना है,
नॉन मेटल के अंदर हम लोगों को कौन से एलिमेंट्स को याद रखना है, तो भाई केमिस्ट्री के अंदर एक ऐसी चीज है कि मैं कोई भी मेटल को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगा, ओके, कोई भी मेटल को मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगा तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो अभी मैंने मेटल के लिए एग्जांपल लिया है मैग्नीशियम, इसको कहेंगे मैग्नीशियम, क्या कहेंगे हम लोग, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, उसने की है ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस और उसने बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी आप लोग सोचोगे कि सर आप लोगों आपने तो ये सिखाया ही नहीं है कि भाई ये केमिस्ट्री में क्या होता है, तो इसके लिए चिंता मत करो, ये सिर्फ और सिर्फ कम्बस्चन के बारे में रिलेटेड स्टडी करवा रहा हूँ, इसीलिए एक एग्जाम्पल दिया है कि मेटल ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना कंबशन का काम किया और अपना कंबशन का काम करके उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या किया, प्रोडक्ट किया, वैसे तरह से बात है। ओके, इसमें कुछ केमिस्ट्री डाल नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ आप लोगों को एग्जांपल समझा रहा हूँ कि एक मैग्नीशियम है, मैं हमने अभी अभी बात की कि कोई ऐसा एक सब्सटेंस हो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और रिएक्ट करने के साथ साथ हम लोगों को कोई चीज दे, तो यहाँ पर वो साथ साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये याद रखना जरूरी है कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा हीट को। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो जनरेट होगा ही, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट होगी। तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर बात की कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जो ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ साथ हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंबशन कहेंगे। सो दिस इज योर एग्जाम्पल फॉर कंबशन कि भाई मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कुछ रिएक्शन किया और उस रिएक्शन की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट हुआ और साथ में हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। ओके ओके, आप लोग ये भी याद रख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को सारी चीजें मैंने लिख दी है ताकि आप लोगों को सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाए। ओके, आप लोगों को एक एग्जाम्पल लिखना है फॉर द कम्बशन इन प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऑल्सो राइट इक्वेशन, तो एक इक्वेशन आप लोग लिख सकते हो, बहुत ही इजी इक्वेशन है, एम जी प्लस 2 mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2 mg O। नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन, टाइप्स ऑफ कंबशन के अंदर दो टाइप्स है जनरली, फर्स्ट इज द कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। कंबस्टेबल सब्सटेंस यानी कि जो जलने वाले कंबस्टेंस सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंबस्टेबल सब्सटेंस कहेंगे। तो जनरली जो जलने वाले सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, कम्बस्टेबल सब्सटेंस कहेंगे, और जो नहीं जलने वाले सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस कहेंगे। ओके, दो सब्सटेंस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कम्बस्टेबल सब्सटेंस, एग्जाम्पल्स आर पेपर, पेट्रोल, केरोसिन, वुड, कोल, काउडंग, ये सारी चीजें जो है वो क्या होती है, कम्बस्ट हो जाती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है, इसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, कम्बस्टेबल सब्सटेंस कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिखने हैं एंड देन ये जो है वो एग्जाम्पल्स है, आप लोगों को फोटोग्राफ दिख रहे हैं। ओके, अगर कोल को मैं गर्म करूंगा तो वो इस तरह से हीट होंगे। ओके, नाउ नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न एंड आर कॉल्ड एज द नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस, एग्जाम्पल जो है वो स्टोन, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक, सॉइल, सैंड, वाटर, आयन, नेल्स, कॉपर, एस्बेस्टोस, ये सारी एस्बेस्टोस, ये भी सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हो नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस के अंदर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सप्लेन कम्बस्टेबल एंड नॉन कम्बस्टेबल सब्सटेंस। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी है और साथ में 5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं, कितने एग्जाम्पल लिखने हैं, 5 एग्जाम्पल्स फॉर कम्बस्टेबल एंड नॉन कम्बस्टेबल। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर, इफ यू हैड एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप और यू कैन आस्क मी इन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन, सी यू सून।